जब दो पहलवान मैदान में आते हैं एक की जीत होती है, ये नहीं कहना चाहिए उसमें मसलत कहना चाहिए आप जीतोगे तो आगे खेलोगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए। देखिए सर, विराट कोहली एक ब्रांड है, एक नाम है, उनको हटा कर न्यू प्लेयर को ला रहे हैं, इनसे क्या उम्मीदें लगाई जाए? रिटायरमेंट का टाइम आ गया उसका, तो अब उसने जाना ही था। नहीं अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया, लेकिन उसको कह रहे हैं कि आईपीएल अगर तुम अच्छा खेलोगे तब तुम T20 वर्ल्ड कप खेलोगे, नहीं तो अदरवाइज तुम्हें निकाल देंगे इस वर्ल्ड कप से। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी है, बचपन में बहुत अच्छा खेला हम लोग, हमारे पास टेप बॉल नहीं थी, होती हॉट बॉल थी या दूसरी कॉक वाली बॉल थी। अच्छा सर, जैसे अब PSL और IPL चल रहा है, तो आप कौन सी लीग देखना ज्यादा पसंद करते हैं? बात ये कि मैं तो ये कहूँगा क्रिकेट जो है ना, कोई भी अच्छा खेल है उसको अपसेट करें, और दुआ तो यही कि हमारा पाकिस्तान आगे निकले, तरक्की करे। और विराट कोहली का सुना है कि वो उनकी गवर्नमेंट न्यूज में सुनने में आ रहा है, कल की न्यूज है कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने की न्यूज आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कहेंगे आप इस पे? मैं तो यही कहूंगा कहीं भी कोई अच्छा खिलाड़ी खेल रहा तो उसको अपसेट करें, उसको आगे निकलने का मौका दिया जाए। और विराट कोहली जो है वो इंडियन खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, उसका एक नाम है, उसको चाहिए वो अपना जो नाम वो कायम रखे, अच्छे किरदार करे, अच्छा खेले, अच्छी परफॉर्मेंस रखे। अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो आगे उसको वो गवर्नमेंट में खैसे चलने देगी, और होना भी यही चाहिए जो अच्छा खेले उसको आगे एप्शेयर भी करें, उसको आगे निकलने का मौका दें ताकि मजीद वो अपनी टीम को लेके निकले। लेकिन सर विराट कोहली का एक नाम है, ठीक है, इतने अरसे से वो खेलता आ रहा है, अब उसको आकर ये कह रहे हैं कि अगर तुम IPL अच्छा खेलोगे तब हम तुम्हें T20 खिलाएंगे, तो आपको ये नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं ये गलत है, हार जीत तो एक देखने इंसान का मुकद्दर है, जब दो पहलवान मैदान में आते हैं एक की जीत होती है, ये नहीं कहना चाहिए उसमें मसलत कहना चाहिए आप जीतोगे तो आगे खेलोगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हम। तो यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि ये डिसीजन गलत है? ये डिसीजन गलत है, इसके हम बिल्कुल इसको जी। सर देखिए, जब तक विराट कोहली होता है ना अपनी बैटिंग पे, तो बहुत उम्मीदें जुड़ी होती है कि जब तक ये है मैच जीतने के चांसेस है। बिल्कुल, हर देखिए टीम के जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसमें उम्मीदें होती है। हाँ जी। वो तो हर किसी खत्ते में चले जाए, किसी ममालिक में चले जाए, उसका जो खिलाड़ी जो अच्छा होता है, एक नाम उसने पैदा किया होता अपना, उसको अच्छा खेलना चाहिए, उसके लिए उम्मीद रखनी भी चाहिए, तो ये सबका ही जरूरी है, उनको भी चाहिए कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें, करके दिखाएं। बल्कि वो फिर अगर हम बात करें पुराने वर्ल्ड कप की, 2012 की अगर हम वर्ल्ड कप देखें, तो उसमें विराट कोहली के सबसे हाईएस्ट स्कोर थे 4047, 109 इनिंग में उन्होंने सबसे अच्छा प्ले किया था, ठीक है। अब उनके पीछे रिकॉर्ड को भूल कर एकदम से उनको ये कह रहे हैं कि आपको हम निकाल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं ये तो गलत बात है, 600 से ज्यादा होगी। एक बंदा अपने मुल्क के लिए अच्छा खेल रहा है, उसने एक मुल्क को एक नाम दिया है, लेकिन एक पहचान दी है, तो ये सरसर उसके लिए बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, ताकि वो आगे खुश होके खेले और अपना प्रेशर से ना खेले, अपना खुल के खेले वो, ताकि। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो विराट कोहली के बगैर चला जाएगा खेलने के? क्योंकि जब तक कहते हैं ना दोनों की बातचीत अच्छी है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को पता है, रोहित शर्मा को पता है कि अगर विराट कोहली नहीं होगा तो हमारे मैच हारने के चांसेस ज्यादा है। जहर जी, एक जो बिल्डिंग होती है ना उसके स्तून होते हैं, ये स्तून ही है, ये स्तून के मानद होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं ना वो अपने स्टैंड रखते हैं अपनी टीम को, अगर कोई मिस हो जाता है तो जहर एक बंदे पे सारा बटन पड़ जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खेल तो लेगा वो, लेकिन वो उस तरह नहीं खेलेगा जो अपने एक क्या कहते हैं उसको, जो उसके साथी होता है ना उसको सपोर्ट करने वाला टीम, तो वो नहीं होगा तो भाई वो डिसाइड हो के मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर विराट कोहली को नहीं खिला रहे तो उनकी जगह जो न्यू प्लेयर्स हैं, रितु सिंह हो गया, उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, उनको लाया जा रहा है। देखिये सर, विराट कोहली एक ब्रांड है, एक नाम है, उनको हटा कर न्यू प्लेयर को ला रहे हैं, इनसे क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिये बात तो ये है कि जो नए टैलेंट है उसको भी मौका देना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो पुराना जो होता है आपके मुल्क के लिए, जिसने इतना कुछ किया हो, तो उसको भूलना नहीं चाहिए, ये तो उसके साथ सारा सर नाइंसाफी है। सर देखिए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम में अगर विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर है आपकी नजर में? नहीं, मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी विराट कोहली है उसका एक अपना एक नाम है, अपनी उसकी एफिट है, उसने अपने मुल्क के लिए की, अपनी टीम के लिए की, तो ये कम लोगों को नसीब होता है। तो आपकी नजर में हमारी टीम में कोई भी ऐसा नहीं है विराट कोहली जैसा खेलता हो?
नहीं, हमारी टीम में बड़े बड़े अच्छे कौन है? देखिए हमारी टीम में जो है ना इस वक्त वो क्या नाम उनका बाबर आजम है, और वो शाफी जी के दामाद है, क्या नाम शाहिन शाफी जी, वो भी अच्छा खेलते हैं, अच्छी परफॉर्म करते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरीके से खेलते हैं विराट? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अच्छे तरीके से खेलते हैं। जबरदस्त हो गया सर। लास्ट पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सबको अच्छी सोच रखनी चाहिए, अपने जितने पुराने स्टार हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनको यकदम ये नहीं कि उनकी जो खिदमात है उनको मद्देनजर रखते हुए उनको एफिशिएंट करके उनको अफजल करके आगे खेलने का मौका दिया जाए। जो पिछले स्टार नए स्टार आ रहे हैं, जो कोई नए लोग आ रहे हैं तो उनको भी मौका दें ताकि वो आगे बेहतर से बेहतर खेलें, और पुराने लोग भी उनके साथ आएंगे तो आगे वो उनको एक्सपीरियंस तो लेके चलेंगे टीवी पे। नहीं मतलब उसका एक लेवल है, लेवल अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेरे अंदाजे से एक मैक्सवेल है, उसके बाद जो है विराट कोहली। मतलब यानी कि पाकिस्तान का किसी भी तुम नहीं देख रहे हो लाइन में, डायरेक्ट तुमने मैक्सवेल और उसके बाद डायरेक्ट तुमने विराट कोहली कह दिया, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बोला? पाकिस्तान में एक है वो पीएसएल में जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सैमी अय्यूब, उसकी बैटिंग सैमी अय्यूब, उसकी बैटिंग जो है ना काफी अच्छी है, तो उसके मैंने एक दो इंटरव्यूज भी देखे हैं, तो नाइस प्लेयर है। चलो जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो न्यूज यह है कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से हटाया जा रहा है, क्या कहोगे इससे? रिटायरमेंट का टाइम आ गया उसका, तो अब उसने जाना ही था। नहीं अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया, लेकिन उसको कह रहे हैं कि आईपीएल अगर तुम अच्छा खेलोगे तब तुम T20 वर्ल्ड कप खेलोगे, नहीं तो अदरवाइज तुम्हें निकाल देंगे इस वर्ल्ड कप से। अच्छा प्लेयर है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन टीम है उसी के सर पे जो है काफी आगे तक पहुंची है, अच्छा प्लेयर है, उसके बाद एक कृष्णा है वो अच्छा प्लेयर है, दो ही प्लेयर इनके ज्यादा अच्छे हैं बैटर में जो है, बैटिंग में विराट कोहली बहुत अच्छा बैटर है। अच्छा। यही है कि इंडिया की परफॉर्मेंस में जो है थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है विराट कोहली के ना होने से, काफी फर्क पड़ सकता है। यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर विराट कोहली जाता है तो इंडिया की टीम क्या सरवाइव कर पाएगी, वो वर्ल्ड कप जीत पाएगी? मुश्किल है, सार जो है तकरीबन 40% चांसेस है कि कर लें, बट विराट कोहली के बगैर जो है मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। देखो ना अगर बात की जाए उसके प्रीवियस रिकॉर्ड की, तो जब तक विराट कोहली अपनी बैटिंग पे कायम रहता ना तब तक उम्मीद रहती है कि मैच हम जीत जाएंगे, मैच हम जीतेंगे, ऐसे ही है। और अगर अब वो नहीं होगा फिर मैच ही नहीं देखेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि अच्छा प्लेयर है, प्लेयर अगर क्वालिटी वाला हो तो फिर बंदा देखता भी अच्छा लगता है, जब कोई बैटर ना अच्छा हो तो फिर। यानी कि नहीं देखोगे अगर वो नहीं होगा? नहीं। क्यों? रीजन बस इस बात पर तुम देखोगे नहीं? क्योंकि अच्छा बैटर है जो है, इस तरह का जो क्वालिटी वाला बैटर है ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसीलिए वो ही अच्छा बैटर है उनकी टीम में मेरे अंदाजे से। अच्छा अगर विराट कोहली का हम पुराना रिकॉर्ड देखें 2012 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो अगर हम देखें, तो उसमें जो विराट कोहली के रिकॉर्ड था ना उसने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया, 109 इनिंग में उसने 4047 रन किए। अब उसकी पुरानी परफॉर्मेंस को छोड़ दें हम और उसको अब न्यू ले आए हम बंदे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं मैं कुछ कह सकता, बट ये है कि अच्छा प्लेयर है, अगर वो ना होगा टीम में तो टीम को भारी नुकसान भी जो है फेस करना पड़ सकता है, कि क्योंकि अक्सर अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड देख लें तो अक्सर ही मैचेस में उसकी सेंचुरी हो रही होती है, तो 50 किए बगैर तो वो मतलब आउट ही नहीं होता, ऐसे ही है। तो अब यही है कि अगर वो ना होगा तो मुश्किल ही है। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि अगर विराट कोहली को नहीं खिलाते तो आपको ये लगता है कि रोहित शर्मा खेलने जाएगा मैच? शायद जाए, क्योंकि जो है उसने बाकी टीम को भी लेकर चलना है, एक बंदे के साथ नहीं वो चल सकता, कि एक के बाहर होने से कि ये तो नहीं है कि ना पूरी टीम टूट जाए, तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको रखते हैं कि नहीं, बट ये है कि वो अच्छा क्वालिटी वाला बैटर है, अगर वो होगा तो इंडिया के चांसेस जो है 80-90% हो सकते हैं। अच्छा अब अगर इनकी बात की जाए ना इनको निकालने की, तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो न्यू प्लेयर्स है ना ऋतु सिंह हो गया उनको लाने की बात की जा रही है। देखिए इतने पुराने प्लेयर को भूलते हैं जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको निकाल के दूसरे न्यू ले आओ, उनका तो हमने खेल भी नहीं देखा अभी तक। देखिए ये तो फिर वही है ना कि वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, कि अब हमारे पास एक बैटर था शाहिद अफरीदी, वो बहुत क्वालिटी वाला बैटर था, बहुत अच्छा बैटर था, अगर आप उसका रिकॉर्ड देख लें तो मैं जो है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अब यही है चीज़ है कि अब वक्त के साथ साथ है, क्योंकि वो काफी देर का इस फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में, आईपीएल की फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में काफी टाइम का है,
अब एक लॉन्ग पीरियड हो गया उसको जो क्रिकेट के अंदर है, तो अब उसका बनता ही है वैसे रिटायरमेंट का। अब यानी कि अब तुम चाह रहे हो कि वो रिटायर हो जाए? रिटायर हो जाए। अच्छा, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट पे मैसेज देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आईपीएल जो है, पीएसएल जो है। अच्छा, पहले मुझे तुम ये बताओ कि हमारी टीम में अगर हम देखें, पाकिस्तान टीम में, तो कोई ऐसा प्लेयर है जो विराट कोहली जैसा खेलता है? बाबर आजम को थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो कवर ड्राइव है वो बेहतर है, काफी बेहतर है जो है विराट कोहली की नस्बत। के अगर आप उसकी बैटिंग देखें तो उसकी बड़ी क्वालिटी बैटिंग होती है कि उस टाइम उसकी जो ये कवर ड्राइव है ना, वो उसकी जो है ना वो पूरी वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा, यानी कि सिर्फ एक बाबर आजम ही है जो विराट कोहली जैसा खेलता है जी, और कोई भी नहीं है? सैमी अय्यूब है, वो अगर उसको ले आए आईपीएल में तो मे बी वो बैटिंग जो है ना बेहतर कर ले। अच्छा, अगर विराट कोहली अगर होता पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान टीम का प्लेयर होता, तो इससे हमें क्या फायदा होता? वर्ल्ड कप हमारा था। अच्छा, और क्योंकि पाकिस्तान जो है ना बेसिकली लैंड है बॉलर्स का। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, आपको काफी अच्छे बॉलर मिलेंगे, मोहम्मद आमिर मिलेगा, उसके बाद शुएब अख्तर मिलेगा, और भी इस तरह के आसिफ मिलेगा, इस तरह के बहुत क्वालिटी वाले जो बॉलर्स हैं। अभी भी आप देख लें शहीन शाह है, शहीन शाह फरीदी है, नसीम है, नसीम शाह, और उसके अलावा हारिस रऊफ, वो भी जो है अच्छा बॉलर है। तो यही है कि अगर बैटर भी अच्छे हों पाकिस्तान में तो, यानी पाकिस्तान में बैटिंग अच्छे नहीं है? अच्छे नहीं है, एक दो ही है सिर्फ, एक वो बाबर आजम और एक फखर जमान, कभी कभार वो भी कर लेता है, बट कभी उसका नहीं हो तो वो नहीं करता। चलो ठीक है, मुझे लास्ट पर एक मैसेज दे दो जो कि इंडिया की टीम को तुम देना चाहते हो, या विराट कोहली को निकालने पे कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कहूंगा कि अभी तो ना उसको निकालें, खैर एक ये लास्ट जो है उसको खेल लेने दें, फिर उसके बाद अगर उसका दिल करे तो वो रिटायर हो जाए, नहीं तो अगर वो लेके चलना चाहते हैं आगे अपनी टीम को तो वो खेल ले। बहुत बहुत शुक्रिया।